गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब मैं रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ छठ की पूजा में। सुबह का है तो वहाँ पे जाना है मुझे, तो बस सब निकलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे। इतनी सुबह तो मैं कभी निकला भी नहीं, एक भी आदमी रोड पे नहीं है, देखो गाइस एकदम खाली खाली। तो पहुँचते हैं अभी, इतना सुनसान रास्ता है। पहुँच गया अब यहाँ पर, मैं चल के मिलता हूँ सबसे। अब सुबह का रश शुरू हो गया है यहाँ पे, लोगों को देखो कितना ये थोड़ी देर में हो जाएगा। दिल्ली में थोड़ा लेट ही होता है। पूजा तो हो गया और प्रसाद भी मिल गया मुझे, तो अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए और घर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे 6:30 के आसपास सड़क शुरू हुआ था, तो हो गया पूजा। चलो अब घर चलते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि जिनके घर दूर हैं वो थोड़ा डिस्टेंस वाले तो आएंगे ही, लेकिन एक बात है भीड़ बहुत है यहाँ पे। तो प्रसाद नहीं दोगे खाने के लिए? साथ खाते हैं पहले, फिर देखते। तो गाइस अभी हम प्रसाद नहीं खाएं, प्रसाद दे दो, वो प्रसाद खाएंगे फिर उसके बाद अब आगे का क्या प्लान बनता है देखते हैं आज। गाइस अभी ब्रेकफास्ट करके जस्ट मैं बैठा था और आज हुए हैं हम लोग, मतलब फ्री हो गया मैं कि अब क्या करना है। तो कुछ काम पेंडिंग है, आप लोगों को पता ही है मैंने कुछ प्लान किया था, तो उनको मुझे टारगेट करना है और उनको कंप्लीट करना है। तो अभी मेरे को गाड़ी सर्विस को देनी है जिसके लिए मैं अभी कॉल करूँगा। नेक्स्ट मेरे को, आपने देखा ही होगा मेरे पीछे ब्लॉग में मैं कहाँ गया था, वो काम भी है बाकी है तो वो भी करना है मुझे। और फिर मुझे और भी कुछ टू डू लिस्ट में है मेरे जो कि मुझे करना है, तो मैं प्लान करके फिर तो मैं आप लोगों को डे डे बाई डे अपडेट करूँगा कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है इसमें। तो गाइज कीप ऑन वॉचिंग माई ब्लॉग, और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। और गाइज देखो कपड़े धोने के लिए लगाए हैं और यहाँ देखो बैठ के काम भी शुरू। काम करने के बाद अब जब फ्री होंगे तभी कहीं जाएंगे, कब तक फ्री होते हैं। तो गाइस मैं बस अभी बैठा हुआ था और एक बुक पढ़ रहा था, क्या नाम है, जैक कैनफील्ड का। तो इसमें लेकिन इस बुक में क्या कहता है कि जैसे आप कोई चीज़ विजुलाइज करते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाए ऐसा वैसा, तो फिर आपका माइंड उसको अचीव करने के लिए काम करने लगता है। तो इंसान को जो चीज़ अचीव करना है चाहे जो चीज़ उसको चाहिए उसको फर्स्ट विजुलाइज करें, और फिर विजुलाइज करने के बाद आप अचीव कर सकते हो। सपोज़ कोई आदमी चाहता है कि मुझे ये गाड़ी मिल जाए, तो जैसे आप उसको मतलब विजुलाइज करोगे कि ये गाड़ी मुझे मिल जाए, तो फिर आप उसके कैसे वो आएगा क्या होगा उसके तरफ काम करने लगते हो। तो मतलब वो हेल्प करता है आपको अचीव करने में आपका टारगेट जो भी आपने, क्या
लग गया, सोच रहे हो? ओ तो गाइस मैं बस बैठा था तो सोचा कुछ पढ़ लूँ, तो पढ़ रहा था, सोचा आप लोगों से बता दूँ। तो अभी आज बहुत सारा काम है, मुझे बाहर भी जाना है, तो अभी जाऊँगा मैं। गाइस अब शाम हो गई है, तो हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और एक ऑरेंज जूस है या मैंगो जूस है, देखना होगा, ध्यान नहीं आ रहा। तो अब अभी हम लोगों ने जस्ट ये ऑर्डर किया है और आएगा अब थोड़ी देर में, तो फिर हम खाएंगे इसको, देखते हैं कितनी देर में डिलीवरी करता है ये। और आज तो काम हो गया सारा कुछ जितना काम था, और ये कर रहे थे कि अब शाम के टाइम में कुछ तो ऑर्डर करना बनता था तो कर दिया ऑर्डर, और हमारा पिज़्ज़ा अभी लेके आ रहा है भाई, तो देखते हैं कितने देर में डिलीवरी करते हैं। 10-15 मिनट बोले हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे, पास ही है, तो आ रहा है। और अब बाबू पिज़्ज़ा खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, ये हंस रहा है, तुम आ जाओ, तुमको अरे खिलाएंगे। भयंकर एक्सरसाइज कर लिया तुम? हाँ बताओ, पिज़्ज़ा खाएगा? पिज़्ज़ा आ रहा है, खाएगा? हाँ बोलो, उड़ो, पकड़ ले रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, नहीं तो गिर जाओगे। अभी हम लोग कहाँ चलेंगे, घूमने? घूमने चले हम लोग, बताओ बताओ कहाँ चलेगा? अभी हम यहीं बैठे हुए थे, तो आ रहा है पिज्जा वाला लेके आ रहा है तुम्हारा पिज्जा। अरे हुआ, पिज्जा खाएगा? पिज्जा खाएगा तुम? पिज्जा खाएगा? अरे तुम इतना छोटा है, तुमको नहीं खाना चाहिए, तुमको नहीं खाना चाहिए। अभी आएगा ना, तुमको जूस पिलाएंगे, जूस पिएगा, जूस पिएगा, बताओ। पिज्जा नहीं खाते बेटा, अभी आएगा तो देखेंगे, ठीक है? तो गाइस देखिए कितना खुश हो जा रहा है ये सुन के। अरे नहीं, चलो घुमा के लाते हैं तुमको बाहर से। कहाँ घुमाएगा बताओ, कहाँ घुमाने ले चले तुम्हें, बताओ बताओ कहाँ ले चले, कहाँ घुमाने ले चले तुम्हें, बता दो, तो वहीं ले चलेंगे, बताओ। अच्छा अब एक्सरसाइज करेगा शाम का, एक्सरसाइज करेगा तुम? अरे बता दो। अरे पेमेंट तो करते रहिए आपने, हाँ कर दिया था, है चेंज तो दे दो। ठीक है आ गया हमारा, तो डिलीवर कर दिया भैया ने, अब हम लोग खाएंगे इसको। गाइस अभी खाना बन रहा है, तो बाबू सो गया है एक्चुअली, नहीं तो उसके साथ खेलते रहते, अभी वो सो गया खेलते खेलते, तो फिर मैं बैठ के कुछ करने लगा था। तो अभी रात के कितने बज गए हैं, 8, 8:30 हो रहा है, 8:30 हो रहा है, तो एक बार खाना बन जाएगा तो खाना खाएंगे। और शाम को पिज़्ज़ा खा लिया तो थोड़ा हैवी ही हो गया था, तो इसलिए अभी थोड़ा से लेट कर रहे हैं खाने में, तो खाएंगे 10 बजे तक खा लेंगे। तो खाना खाते हैं, फिर खाना खा के आपसे मिलते हैं। अभी देखते हैं कि बाबू क्या कर रहा है, वो तो सोया हुआ था। अभी बाबू उठाए क्या, बोलो सो के उठ गया तुम? देखो गाइस जी सो रहा था और अभी मैं गया तो उठ गया। और क्या कर रहे बेटा, इधर देखो, देखो देखो इधर लैपटॉप में देखो, तो ये देखिए इसको क्या, कहाँ इसका ध्यान है, पीछे देखिए मेरे लैपटॉप पे ध्यान है इसका, क्या देख रहे हो, इधर देखो। तो क्या कर रहे थे बेटा तुम, सो के खेल रहे थे कि रो रहे थे? सोया था ना तुम? तो गए मैं देखने गया कि क्या कर रहे हैं, तब तक ये उठ गया और रोने लगा जोर जोर से। तो रोना नहीं चाहिए बाबू,
चलो अब मम्मी के पास ले चलता हूँ तुमको, तो फिर खाना खाएंगे। खाना बन गया है, खाना खाएगा तो चलो खाना खाते हैं। फिर खाना खा के हम लोग, वही खाना खाएगा ना, चलो खाना खाते हैं। तो गाइस खाना हो गया हम लोगों का, और अब बस खाना खा के ऐसे ही बैठा था मैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।